दुशासन द्रौपदी के तीर को खेचने लग जाता है, कोई भी योद्धा नहीं बोलता। आखिर में कृष्ण भगवान को याद करती है, उसके तीर को बढ़ाता है, वहां ध्यान बताता है द्रौपदी की। लेकिन वहां एक शर्त रखी गई कि भाई 12 साल का दिसोटा दिया जाए पांडवों को और 1 साल का अज्ञातवास यानी कि 13 साल ये यहां से बाहर रहेंगे जंगलों में कहीं। ये शर्त मंजूर हो जाती है। राजशाही वस्त्र तार के 500 भाई द्रौपदी सहित दूर जंगलों में चले जाते हैं। समय बीतता चला गया, घूमते फिरते रहे, 12 साल पूरे हो जाते हैं। 1 साल बचा हुआ अज्ञातवास था। हम मन में विचार करते हैं कि भाई कौरवों ने ये कहा था कि 1 साल के दौरान उस 13 वर्ष में की तो जाएंगे, फिर 13 के 26 हो जाएंगे। भाई अपनी जान बचाने के लिए यहां से चलना चाहिए। जंगल से निकल के राजा कमल नयन के विराट नगरी में पहुंच जाते हैं। 500 भाइयों ने भेष बदल रखा था, ये कहा कि हम पांडवों के नौकर थे, बस कौरवों ने उनका राजपाट छीन लिया, हम भी उनसे बिछड़ गए। हे महाराज, 1 साल आपके राज में गुजरान करना चाहते नौकर बनके। राजा ने उन 500 भाइयों की बातों को स्वीकार कर लिया। आप द्रौपदी रानी सुदेशना के पास में जाती, सुन भी कहा कि मैं द्रौपदी की दासी थी हस्तिनापुर में और भाई सारा राजपाट उनका कौरवों ने छीन लिया, मैं भी 1 साल आपकी दासी बनकर नौकर बनकर यहां रहना चाहती हूं। सुदेशना उसको रख लेती है। समय बीत गया चला गया। एक दिन कौन के किचक सुदेशना के महल में आ जाता है। जब द्रौपदी को पर्दे के अंदर देखा कि बेबे ये इतनी सुथरी कौन है कि भाई ये मेरी दासी है, ये इतनी सुथरी, तो किचक क्या कहता है, बहुत कम गाई जाती है ऐसी ऐसी बातें, क्या लिखा है। पर कड़े तको आई
वट ग्रंथा का लेख लिया ध्यान मन हर मेख ऐसी लुगाई ऐसी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय 500 रुपए से इस पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हमारे लिए आदरणीय सदन थानेदार जी 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद बच्ची पर्दा अलग तनाक बोल दूध और नील छनाक है छंद की कली बना कर चार ब्राह्मण लक्ष्मी चंद गाई इसका देवी वर्गा रूप न खास इतनी सुथरी ये दासी।